नमस्कार दोस्तों, डीके 3D होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप जानते हैं मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइन और उसी के साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में हर तरह की जानकारी लाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 फीट बाय 45 फीट का एक छोटा सा प्लान आपके लिए लाया हो, जिसका डिटेल मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो बहुत ही शॉर्ट में यह प्लान समझाऊंगा, लास्ट तक पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। देखिए 25 फीट जो है यहाँ से यहाँ तक है, मतलब 25 फीट जो है लगभग इसका फ्रंट है और यहाँ पर हमने मेन गेट बताया है। और यहाँ से एंट्री करते हैं तो देखिए यहाँ पर छोटा सा 5 फीट का एक पैसेज आपको मिल रहा है। यहाँ पर हम बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं या तो फिर छोटा सा गार्डन वगैरह हम बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 फीट 3 इंच की जगह छूटी गई है और इसके नीचे स्टेयरकेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस के नीचे हम बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप चढ़ के इस वरांडे पर पहुँच रहे हैं और यहाँ से ये वरांडा जो है यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा और इसी वरांडे से आप देख सकते हैं यहाँ से हमने सीढ़ी स्टार्ट किया है और यहाँ से यू टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, मतलब सीढ़ी जैसे जैसे ऊपर चल जाती है इसके नीचे की पूरी जगह जो हमको यूज़ करने को मिलती है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक मेन डोर नज़र आ जाएगा। ये जो डोर है हमारे लिविंग रूम का है। 13 फीट 4 इंच बाय 12 फीट 2 इंच का इस लिविंग रूम का साइज दिया गया है, मतलब 13 फीट 4 इंच बाय 12 फीट 2 इंच का काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन सा साइज दिया गया है। और यहाँ पर एक बड़ा सा विंडो हमने बताया है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक डोर बताया, अगर आप चाहें तो ये डोर कैंसिल करके यहाँ पर आर्च भी लगा सकते हैं। यहाँ से हम एंट्री करेंगे हमारे इस डाइनिंग के एरिया में। 7.5 फीट बाय 10 फीट 2 इंच का यहाँ पर डाइनिंग का एरिया है और यहाँ पर एक विंडो दिया गया है, ये स्लाइडिंग विंडो भी हम कह सकते हैं। और इस साइड में आप देख सकते हैं ये ओपन डक्ट रखा गया है वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि लगभग फ्रंट साइड में हमारा प्लॉट है, बाकी तीनों साइड जो है दूसरे के प्लॉट से, इसलिए यहाँ पर हमें ओपन डक्ट रखना जरूरी है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाइनिंग में से हम इस बेडरूम में एंट्री कर सकते हैं। 9 फीट 10 इंच बाय 12 फीट का इस बेडरूम का साइज दिया गया है और ये जो बेडरूम है इस बेडरूम को यहाँ पर फ्रंट साइड में एक विंडो बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पर भी एक छोटा सा विंडो हम लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए पीछे के साइड में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हमारा किचन दिया गया है। 9 फीट 10 इंच बाय 11 फीट का किचन का साइज दिया गया है और उसके बाद में यहाँ पर जो डोर आपको नज़र आ रहा है, ये जो डोर है इस बेडरूम का डोर है, 13 फीट 4 इंच बाय 11 फीट का इस बेडरूम का साइज दिया गया है, मतलब 13 फीट 4 इंच बाय 11 फीट का। और आगे बढ़ते देखिए पीछे के साइड में टॉयलेट बाथरूम दिया गया है। यहाँ पर बाथरूम और यहाँ पर टॉयलेट दिया गया है। 6 फीट 4 इंच बाय बाथरूम का है और 4 फीट बाय 4 फीट का यहाँ पर टॉयलेट दिया गया है। दोनों के बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा वॉश एरिया छोड़ा गया है। ये ओपन टू स्काई रहेगा, मतलब ओटीएस रहेगा, क्योंकि पीछे के साइड में हमारा प्लॉट नहीं है। अगर आपके प्लॉट में पीछे के साइड में जगह है तो यहाँ पर बिल्कुल भी आप पूरा का पूरा स्लैब डाल सकते हैं। ये ओपन टू स्काई रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं 25 फीट बाय 45 फीट का यह पूरा प्लॉट का साइज था जिसमें यह पूरा प्लान बिठाया गया है। अब ये जो प्लान है इस टाइप में बिठाया गया है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है। आशा करता हूँ आज का छोटा सा प्लान आपको पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फ़ायदा हो सकता है, किसी को कुछ आइडियाज़ आ सकते हैं उनके घर के लिए, उनके प्लान के लिए, तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।